हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एजेंट की गेम प्ले वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत सारे बंदे एजेंट में मर जाते हैं, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, कौन सा टास्क पहले करें या फिर बाद में करें, तो ऐसी कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए मैं एजेंट की थोड़ी गाइड वीडियो लेके आ चुका हूँ, आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो आपको एजेंट में पहले तो गेम स्टार्टिंग में आपको कोई रोल चेक नहीं करना है कि कौन सा इंपोस्टर आया है, आपको टास्क पे ही फोकस करना है और टास्क करने लग जाना है। और स्टार्टिंग में आपको ऐसी जगह पर टास्क करने जाना है जहाँ पे इंपोस्टर नहीं आए, जैसे कि नेविगेशन के एरिया, एडमिन का एरिया, वहाँ पे हमारा कॉमन टास्क होता है। आपको सिक्योरिटी और इलेक्ट्रिक के एरिया को आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है, वहाँ पे आपको नहीं जाना, वहाँ पे इंपोस्टर किल करते हैं। आपको कैफेटेरिया में भी नहीं रुकना। और जैसे यहाँ पे मैं एडमिन में पहुँचा अपलोड करने के लिए, इतने में स्नाइपर का मार्क आया और मेरे ठीक बगल में जो पर्पल खड़ा था उसको वहाँ पे स्नाइप करके मार दिया है। और उसी टाइम पे ब्राउन ने मीटिंग बुला ली है। तो चलिए देखते हैं भाई, जो फील्ड में होगा वो स्नाइपर होगा। मीटिंग बुला लिया तब भी मार किया, मीटिंग बुला ले तब भी मार किया क्या? अरे स्नाइपर ने स्नाइप कर दिया, मीटिंग बुला लिया तब भी स्नाइप हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको रोल्स नहीं बताया, तो यहाँ पे रोल्स की बात करें तो हनी भी है, आर्सोनिस्ट है, ब्लैक जैक और स्नाइपर आया हुआ है। और यहाँ पे सब लोग माइस स्किप कर रहे थे, लेकिन एक बात अच्छी थी कि सब लोग अपनी लोकेशन ड्रॉप कर रहे थे चैट में, और जो स्नाइपर का मार्क आया था वो सील्ड में आया था। तो मैं यहाँ पे माइक लेके बोलता हूँ, ये देखो ऑरेंज और व्हाइट तो मेरे साथ अभी एडमिन में थे और पर्पल भी वहीं पे किल हुआ था स्नाइपर का, और ग्रीन, पिंक और सियान ने अपनी लोकेशन ड्रॉप नहीं की है। तो इन तीनों में से एक स्नाइपर होगा, बारी बारी से निकालो या फिर जो भी शेरिफ होगा इनमें से एक पे ट्राई लेना। रेड को वोट करके निकालो, गेम खत्म करो, विजय मार गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं व्हाइट जैक को विजय को मार दिया, रेड को निकालो, रेड स्नाइपर है। कुछ भी। तो यहाँ पे मैं माइकल के बोलता हूँ क्योंकि ये लोग मेरे को वोट आउट कर देंगे। इससे पहले मैं बोला स्किप करो सब लोग। पार्टनर किस तरह का मार गया रे ब्रो? बीजे ऑरेंज बीजे किस तरह का मार गया, बोल अभी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो फाइनली वोटिंग रिजल्ट आ चुके हैं और मेरे पे 2 वोट आए थे, यहाँ पे बच गया, नहीं तो मैं वोट आउट होकर निकल जाता। अब मैंने मीटिंग में बोला था कि व्हाइट और ऑरेंज मेरे सर एडमिन में थे और ब्राउन ने ऑरेंज को बीजे गैस लिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका पार्टनर होऊंगा, ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मीटिंग में बोला था कि वोट पिंक, तो 2 वोट पिंक पे गए थे और 2 वोट मेरे पे गए थे। गलती से अगर 1 वोट मेरे पे आ जाता तो मैं तो मीटिंग में ही निकल जाता। और यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है तो मैं अपने जल्दी से टास्क कंप्लीट करने के लिए लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी टास्क कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि अब एक इंपोस्टर बचा है। वैसे भी ब्लैक जैक निकल चुका है तो दूसरा स्नाइपर ही बचा है। और जैसे अपलोड हुआ मेरा, उठने में ब्राउन ने मीटिंग बुला ली है। ब्राउन अब शायद मेरे को बोलेगा कुछ ना कुछ, चलो देखते हैं भाई। रेड कुछ बोलना चाहेगा क्या? रेड बोलना चाहे तो बोल दे। व्हाइट जैक बीजे तो मार गया, मैं तो व्हाइट जैक हूँ, सबका रोल ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं होगा। रेड मेरे को सेफ लगा। तो यहाँ पे आता है मेरे पे माइक, तो मैं यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देता हूँ कि ब्राउन टू व्हाइट जैक है ना, तूने बीजे को गेस लिया है तो मैं स्नाइपर हुआ, तो मेरे को स्नाइपर गेस ले ले। अगर ब्राउन मरता है तो सबके सब स्किप करना, और जो भी शेरिफ अगर बचा हो गेम में तो वो पिंक पे ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे ब्राउन हीरो बनने के चक्कर में यहाँ पे स्पेक्टेट में चला गया है, गलत गेस लेके मर चुका है। और यहाँ पे मैं सभी से स्किप करवाता हूँ क्योंकि स्नाइपर ही बचा था, उसने ब्लैक जैक को गेस लिया था, तो मैं अब सेफ हो चुका हूँ। अब मेरे साइड से 3 टास्क बचे होंगे, वो भी गेम के पूरे लेफ्ट साइड एरिया में, क्योंकि राइट वाले मैंने कम्प्लीट कर लिए हैं। ओके, तो रिएक्टर, मेडबे और इलेक्ट्रिक में एक टास्क बचा है, तो मैंने सोचा कि पहले मेडबे जाऊँगा, फिर रिएक्टर और फिर बाद में इलेक्ट्रिक में। और यहाँ पे इंस्पेक्ट वाला है तो इंस्पेक्ट के टाइम पे मैं जाऊँगा रिएक्टर में। जैसे इंस्पेक्ट किया मैं यहाँ पे जंपी लगा के जाने वाला हूँ रिएक्टर में, और फिर रिएक्टर का टास्क करने के बाद मैं इलेक्ट्रिक में जाऊँगा। तो यहाँ पे स्टार्ट रिएक्टर वाला टास्क है, तो वो मैं जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट किया, और इतने में यहाँ पे जो शेरिफ था येलो, उसने यहाँ पे पिंक को मार दिया और यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाती है और स्पेस को गेम जीत जाते हैं। यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर सकते हैं, मेरे पास दूसरी गेम है तो जल्दी से हम वो भी देख लेंगे। ओके, तो ये दूसरी गेम स्टार्ट हो चुकी है। रोल्स की बात करें तो डिमेंटर और निंजा मेरे को दिखा है, इतने में यहाँ पे क्लोज कर देता है डोर इंपोस्टर स्टार्टिंग में ही। और मेडबे और इलेक्ट्रिक में 2 टास्क है, और यहाँ पे काइटू और जोकर भी आया हुआ है। और यहाँ पे मैं फिर से टास्क देखता हूँ तो नेविगेशन के साइड एरिया में 2 टास्क है, यानी कि राइट साइड वाली गेम के एरिया में मेरे 2 टास्क है, एक फैन वाला और एक सील वाला। तो मैं जाता हूँ नेविगेशन के स्ट्राइक, क्योंकि स्टार्टिंग में इस साइड इंपोस्टर किल नहीं करते, बहुत ही रेयर केस में आते हैं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग के टास्क इसी साइड करता हूँ अगर एजेंट बनता हूँ तो। और कैंप्स की लाइट भी ऑन है, मतलब कोई कैंप्स में पहुंच चुका है, या तो वो स्वैपर होगा या फिर व्हाइट चेक होगा, मैंने रोल भी चेक नहीं किए हुए। और गेम के राइट वाले एरिया में मैंने पूरे टास्क
ख़त्म कर दिए हैं। अब ये स्टोरी वाला टास्क करके मैं जाऊंगा इलेक्ट्रिक में। वैसे ये टास्क मेरे को बचा के रखना चाहिए, एक्सपर्ट मैच नहीं है, विजुअल टास्क है, तो स्पेस क्रू को यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ तो मैं सेफ हो जाऊँगा। लेकिन एजेंट में मैं जल्दी जल्दी टास्क करता हूँ तो मैं विजुअल टास्क भी नहीं देखता, मैं सभी टास्क करने के लिए दौड़ा ही चला जाता हूँ, यानी कि मैं विजुअल टास्क भी ख़त्म ही कर देता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करने होते हैं। और इतने में ऑरेंज की डेड बॉडी रिपोर्ट हो जाती है और ब्लू ने रिपोर्ट की है, तो भाई चलिए देखते हैं मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है। वैसे कैफेटेरिया में ब्राउन ने वेंट किया था वो मैंने देख लिया था, और गेम में जोकर और इंजीनियर दोनों आए हुए हैं, तो चलिए भाई देखते हैं मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है। वैसे यहाँ पे सब लोग माइक तो स्किप कर रहे हैं, कोई माइक में बोल ही नहीं रहा है। ब्राउन सुकर्मा कर लो भाई, सिल्वर एंड रेड इंपोस्टर है, सिल्वर एंड रेड इंपोस्टर है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं ग्रिंच हूं, मैंने देखा इसने मेरे सामने वाइल्ड कलर का मैस्क लगा हुआ है, मैं ग्रिंच हूं, रेड इंपोस्टर हूं। तो यहाँ पे आता है मेरे पे माइक, लेकिन ग्रीन की बातें सुनकर मेरे को माइक में बोलने की इच्छा भी नहीं हुई, तो मैंने स्किप कर दिया माइक। मेरी बात सुनो, तेरा ग्रीन होने का कोई फायदा नहीं है, व्हाइट ने मेरे सामने किल करा था, बस वो कैमरा लगाने जाना था, फिर तू मेरा पीछा करने लग गया, मेरे को लगा तूने मेरे को देख लिया, फिर वो किल करने वाला है, इसलिए मैं भागा सिल्वर की तरफ। अभी व्हाइट को निकालो, पक्का इंपोस्टर दिख कर आएगा, या फिर हो सकता है कि अपना ऑरेंज ये वो काइटो और इसने उसको कर दिया, वो अपनी एबिलिटी लगाई हो इसलिए मर गया हो। वाइट अपना इंपोस्टर है, वाइट को निकाल के देखो, उसके बाद देखना कि वो पक्का इंपोस्टर निकलेगा, ठीक है? तो रेड ने बोला कि वाइट इंपोस्टर है, वाइट ने मारा है ऑरेंज को, तो हमने सीधा वाइट को वोट आउट करके निकाल दिया, और ये एक्सपर्ट मैच नहीं तो पता चल जाएगा। ओके, तो वाइट हमारा इंपोस्टर ही है, तो रेड अब सेफ हो चुका है, अब एक इंपोस्टर बचा है। और यहाँ पे मेरे टास्क देखेंगे तो एक शील्ड में है, मेडवे में स्कैन वाला है, ये भी मेरे पास विजुअल टास्क है, मीटिंग में मैं बोल सकता था, लेकिन ग्रीन वाइट और अलग ही नशे में है। और स्टोरेज में एक वायर फिक्स वाला है, ये वायर फिक्स वाला लॉन्ग टास्क होता है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि ये लॉन्ग टास्क है, आपको 3 अलग अलग जगह पे जाके वायर फिक्स करना होगा। और इतने में ग्रीन ने मीटिंग बुला ली है और मेरा सबमिट स्कैन भी हो गया है। तो यहाँ पे आता है मेरे पे माइक, तो यहाँ पे मैं स्किप करने वाला था, लेकिन ये रेड को निकालने वाले थे, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई रेड को क्यों निकाला, रेड ने तो एक इंपोस्टर निकलवाया है। तो रेड तो सेफ हो चुका है और वो सिक्योरिटी है, वो कैमरा ड्रॉप करके भी दिखा देगा, और मैं एजेंट हूँ, मेरे 2 ही टास्क बचे हैं, तो एक काम करो मेरे साथ आओ और कोई सेबोटास फिक्स कर देना अगर इलेक्ट्रिक का सेबोटास होता है तो। और मेरे 2 टास्क में से एक टास्क स्टोरेज में है और दूसरा शील्ड में है, तो अभी के लिए स्किप करो, किसी को निकालो मत। मैं असली का ग्रीन शू, व्हाट? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और मुझे ग्रीन अपना काइटो लग रहा है, नहीं तो वो हंटर है शायद, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंपोस्टर से मत मारे, इसलिए वो रोल छोड़ा सके इसलिए वो बोल रहा है शायद। और ब्राउन अपना जोकर है, येलो रेड को भी छोड़ दो, वो अपना कैमरा लगाने दो, नहीं तो मैं उसका फॉलो करूँगा क्योंकि वो मुझे मार नहीं सकता, मैं ग्रीन को। तो गेम में अब कन्फ्यूज़न हो चुका है, पर्पल ने अभी बोला कि वो रियल का ग्रिंच है, ग्रीन झूठ बोल रहा है, उसने उसका रोल चोरी किया हुआ है। अब ब्राउन अपना जोकर है, तो जोकर वाली एक्टिंग ब्राउन को करनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे ग्रिंच में अब कन्फ्यूज़न हो चुका है। फिर भी मैं यहाँ पे सभी से स्किप करवाता हूँ क्योंकि गेम में एक इंपोस्टर निकल चुका है, अब एक ही बच्चा है, और मैं नहीं चाहता लास्ट में जोकर निकल जाए, और मेरे 2 ही टास्क बचे हैं, इससे अच्छा मैं टास्क कंप्लीट करके इंपोस्टर को ही ढूंढ लूँ। तो यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है, कैफेटेरिया का डोर क्लोज होता है, अब इंपोस्टर मेरे को पूरे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने मीटिंग में बोला था कि रेड टू सिक्योरिटी है, तो मेरे साथ आ जा, मेरे टास्क कंप्लीट करवा दे। जैसे ही डोर ओपन होते हैं लाइट तो जाने ही वाली है क्योंकि इंपोस्टर का अब पूरा फोकस मेरे पे होगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने वायर फिक्स किया, मैं यहाँ पे जंप ही लगा के भाग जाता हूँ सील में, वहाँ पे मेरा और एक टास्क था। अब ये टास्क जैसे मेरा कंप्लीट होगा, वैसे इंपोस्टर पे मेरा वो मार्कर आ जाएगा कि एजेंट का लास्ट टास्क बचा है। और इतने में ग्रीन ने मीटिंग बुला ली, बहुत ही सही टाइम पे मीटिंग बुला ली, अब सिक्योरिटी में मेरा लास्ट टास्क बचा है। ग्रीन ने यहाँ पे माइक स्किप किया, लेकिन यहाँ पे मैं माइक स्किप नहीं करने वाला। जब भी आपका लास्ट टास्क बचा हो तो माइक में बोल लीजिएगा कि एक बंदा सेबोटास फिक्स करने जाना लाइट वाला, और दूसरे बंदे मेरे साथ आ जाओ, ताकि आप इंपोस्टर को पकड़ सको और आपका टास्क भी हो जाए और आपको कोई मार के भाग ना जाए। तो मैंने भी यही बोला था कि सब लोग मेरे साथ आ जाना और एक बंदा लाइट फिक्स करने चले जाना,
ये वाली मीटिंग मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको दिखाना कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा लास्ट टास्क बचा है और इम्पोस्टर ने यहाँ पे ना गलती कर दी। वहाँ पे उसको डोर क्लोज करना चाहिए था, फिर वहाँ पे लाइट ऑफ करनी थी, फिर वो मेरे को मार सकता था, लेकिन उसने स्टार्टिंग में ही लाइट ऑफ कर दी। और यहाँ पे मेरा टास्क जैसे ही कंप्लीट हुआ, ब्लू पे मेरा मार्कर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे जंपी लगा के ब्लू से दूर भाग रहा हूँ और इतने में ब्राउन ने मीटिंग बुला ली है। तो अब मैं ये मीटिंग भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ब्लू पे मार्कर आ चुका है और ब्लू हमारा दूसरा इम्पोस्टर है। तो फिर क्या, मैंने मीटिंग में बोल दिया था कि वोट ब्लू, ब्लू पे मेरा मार्कर आ चुका है तो ब्लू को निकाल दो। तो हम सभी ने यहाँ पे ब्लू को वोट आउट करके निकाल दिया और यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगा क्योंकि पहला इम्पोस्टर निकल चुका था, ये दूसरा इम्पोस्टर भी निकल चुका है और गेम में ऐसा कोई तीसरा रोल है नहीं जिसकी वजह से गेम चले। और फाइनली यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है, स्पेस क्रू गेम जीत चुके हैं। तो आई होप गाइस आपको ये एजेंट की गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को और चैनल पे जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर लेना। तो मिलता है गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय।